और तू जितना मर्जी कहे उतना कीचड़ उछाल दियो, तोहरे जस हजारों जनी संगीत के ऊपर कीचड़ उछाल चुकी और उल्टा वनही के मुंह पे कीचड़ जाए नमस्कार की दोस्तों, किया। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज़, आप सबको अच्छा लगेगा। मसनस्ते नमस्ते। तो दोस्तों यहाँ पर बर्तन धुल रहे हैं, अभी लाइट आया हुआ था, पानी भर लिए हैं। तो इसी तरह पूरा बर्तन धुल लेते हैं। अपनी किचन की सफाई कर रही है, यहाँ पे बर्तन धो रही है, चांदनी झाड़ू लगा रही है, किचन की सफाई कर रही है। अभी उठे नहीं, 7 बज चुका है। रही है, उठ रही है अंजलि, देखो अभी अंजलि उठी नहीं है। तो हम मोटर चालू कर लिए हैं, बाल्टी में पानी डाल रहे हैं, बाल्टी पूरा धुल चुकी हूँ, डाल रही हूँ। बाल का झाड़ू लगा यहाँ पर, कुकर का ढक्कन तो बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर दाल गुंजन रख रही है और मैं आ गई किचन। तो मैं यहाँ पर चावल को साफ कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसी तरह निकलता है धान का भूसी, बाकी कुछ नहीं इसमें है। चलते हैं, पहले दाल चावल को रख देते हैं पकने के लिए। तो यहाँ दाल चावल रख दी हूँ पकने के लिए, और कैमरा में देख नहीं पा रही हूँ क्योंकि फूल भगवान निकले हुए हैं, बहुत तेज से धूप निकला है। ये नया वाला चावल है तो नीचे बैठ जाता है। दाल चावल पका लेते हैं, फिर चाय बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर चाय बना दिए हैं, अभी सब लोग तैयार हो रहे हैं, सबको चाय देते हैं। अंजलि चाय पी लो, चप्पल उधर निकाल के आओ। तो यहाँ पर चंदन स्कूल जा रहे हैं, तैयार हो गए हैं और सबसे पीछे उठे थे सोकर, तो इनको बस नहाना खाना चाय नाश्ता करना, बस स्कूल जाना। और हमारी बेटियाँ तो सब मिलके मदद कराती हैं। यहाँ पर हमारी बेटियाँ दोबारा रस निकाल रही है, क्या कर रही है। तो यहाँ थाली में खाना को ठंडा करके आज अपने से टिफिन रख रही है। देखिए अंजलि हमारा इतना अपना काम कर ली। शीतल आज विदाउट ड्रेस में जा रही हैं। गुंजन अभी यहाँ पर तैयार हो रही है। तैयार हो रही? हाँ, काजल लगा रही थी गुंजन? नहीं, वासलीन लगा रही थी। तो यहाँ पर मम्मी रोटी बना रही है। टमाटर पक गया है चटनी बनाने के लिए, बना लेते हैं रोटी को। ये सब स्कूल जा रही हैं। चंदन आगे चला गया स्कूल, हम सब जा रहे हैं स्कूल, 3 बजे आएंगे पढ़कर। यहाँ सब तैयार हो गई हैं, जा रही हैं। बाय, जा रहे हैं स्कूल, बाय बाय। तो अंजलि जब छोटी थी तो इसी तरह बोलती थी वीडियो में। तो यहाँ पर जा रही है, अब चलते हैं, हम साफ सफाई करते हैं घर का। चटनी लगाना है टमाटर का, और आज हमें जाना है बहन के घर, तो मम्मी वहीं पे हैं। तो मम्मी का हाल खबर तो फ़ोन से ले लेते हैं। आज कई दिन हो गया ना, तो मैं जा पाई ना तो कोई ले जाने वाला है। तो आज चंदन के ही सहारा जाना है, साइकिल पे बैठा के चंदन ले जाएंगे। और रास्ता थोड़ा ख़राब है ना, उस रास्ता पे ऑटो साधन बहुत कम चलता है। तो हम थंबनेल में डाले हैं टाइटल, तो मेरे मायके से रिलेटिव मेरी माँ का तबीयत देख रही है, वो लेडीज़ की ख़राब है, ऐसा है, चलो इसी में माथा पीटते हैं और दही से मट्ठे से घी निकालते हैं। तो मट्ठे से घी निकाल रही है बल्कि दही से नहीं। और मेरे पीछे इतना धोकर पड़ी है, इतना हाथ धोकर पड़ी है, शायद मुंह धोती नहीं है, हाथ ही धोई है। तो मैं उस लेडीज से यही कहना चाहती हूँ उसी के भाषा में, तू एक बात समझ लियो, संगीता का इतना इतना
तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती हूँ। अब पहली बात कान खोल के ही सुन लियो, हम केहू के साथे अच्छा नहीं कह पाए हैं तो हम गलत नहीं करे ही आज तक। और हमार जमीर, हमार नीक बेकार, हमार भगवान से बेहतर क्यों नहीं जानत हुई। और तू जितना मर्जी कहे उतना कीचड़ उछाल दियो, तोहरे जस हजारों जनी संगीतक ऊपर कीचड़ उछाल चुकी और उल्टा वनही के मुँह पे कीचड़ जाए के गीला। तो एक बात कान खोल के सुन लियो, हम तुम्हें ये अंगुली बराबर यतनो नहीं समझी। और एक मतलब ये है, इतना समझे मतलब तुहार बातचीत तो तिनको नहीं चलाई, लेकिन तू हमें पूरा हाथ भर समझाती हूँ, तुम्हें हमसे कोनो बात का डर है, तब तू इतना हमारे ऊपर भूखा थी। अगर तुहरे अंदर इंसानियत हुआ कहो कुछ समझती हूँ तो बैठ के आस्ते से बात करती हूँ, कहो के ऊपर कीचड़ ना उछलती हूँ। तो दोस्तों इतना बात मैं उस लेडीज को इसलिए कह रही हूँ, को इतना बुरा भला बोलती है। और ये वीडियो देखकर भी जज करती है, देखती है स्थिति परिस्थिति क्या है। तो हम उनसे कहती हूँ कि तुम इतना मत उड़ो कि इतना स्थिति खराब नहीं है कि तू हम सबको फांसी लगवा दोगी गले में, समझ रही हो? इतना स्थिति नहीं खराब है, तुम्हारे तक लड़ने तक अभी हिम्मत है। अगर हमको बीच में लाई ना तो तू जानेगी, तेरा काम जानेगा। समझ में आया तो समझ ले। और इतना मेरे वीडियो के बारे में धमकी भी बात की कि ऐसा करो वैसा करो, डरा के एकदम से रिकॉर्ड तोड़ दी है, डरवा डरवा के मेरे घर वालों को डरवा रही है, हमको डरा रही। तो हमको नहीं डरा पाओगी ये समझ लेना। और ज़्यादा खुजली मच रही है तो मेरे गांव पर आ जाओ, यहीं पे आओ, बात करते हैं। और हमारा तो कोई गर्ज नहीं है कि तुम्हारे गांव पे आएंगे, क्योंकि हम तुम्हारा बातचीत नहीं चलाते, तुमको हम इतना नहीं समझते एक अंगुल के बराबर। दोस्तों आप सब मेरे भाई बहन नाराज ना होना, इस लेडीज़ को जवाब देना है, आकर मेरे मायके में तहलका मचा कर हमको परेशान गालियां बकती है, उल्टा सीधा बोलती है, तो इसको जवाब देना ज़रूरी है, इसको देना है, ये मेरा वीडियो देख रही है इस समय। तो दोस्तों हम तैयार हो गए हैं और अब चलते हैं बहन के घर, ताला लगाते हैं, तेल रख दो अंदर, दाल अंदर, तेलवा रख दो, रख रहे हैं, अभी शीतल झाड़ू लगा लेंगे। ये सब 3 बजे के बाद में पढ़ के आ गए हैं स्कूल से, तो अब घर पे रहेंगे और हम अपना चल रहे हैं, तो हम और चंदन चल रहे हैं, तो चले जाएंगे हमें तो करीब यहाँ से 3 किलोमीटर होगा ऐसे लगभग, अब उतना की। तो यहाँ पर गुंजन बैठी हुई है और बड़ा है। हाँ तो अंजलि का बाल उतना बड़ा है, देखिए मेरे बाल से बड़ा हो गया। तो यहाँ पर चंदन चल रहे हैं, हम बैठते हैं साइकिल पे, तो चंदन बैठाए हुए हैं साइकिल पे, हम चल रहे हैं यहाँ, इधर रास्ता थोड़ा ठीक है, उधर नहीं ठीक था, तो यहाँ पर पैदल भी जा रहे हैं सब। तो रास्ता ये भी गांव है, यहाँ तालाब है, बच्चे छोटे छोटे स्कूल से लौट रहे हैं। तो दोस्तों हम सब पहुँचने वाले हैं, थोड़ी दूर पे जाना है, इतना रास्ता ख़राब है कि वीडियो दिखा रही हूँ और बोल भी नहीं पा रही हूँ सही से, तो हमें मजबूरी में उतरना पड़ा और बहुत तेज़ से धूप है। तो आप सबको दिखाती हूँ, देखिए चंदन की इतना बच्चा है, वो भी बैठा के लाया रहा था, उतार दिया अपनी माँ को।
और वही हाल चंदन का भी है, चंदन भी उतार दिए, वो भी उतार दिया, तो इसी तरह चल रहे हैं। देखिए फुलाया है सरसों और पैदल पैदल चल रहे हैं। यहाँ पर चंदन पीछे पीछे आ रहे हैं, साइकिल लिए हैं, चंदन पीछे हैं, मैं आगे हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बहन हमारी बैठी हुई हैं और मम्मी वहाँ उठ के चली गई। कल इनको अस्पताल ले जाना है, जांच करवाना है, उसी बारे में बात करनी आई थी। और यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा बोल नहीं पाई, ज़्यादा बातें भी नहीं कर पाई। और बहन हमारी चिंता में है, थोड़ा इनके हस्बैंड का भी तबीयत ख़राब है। तो वहाँ इनकी रास्ते में आई वीडियो नहीं बनाई आते वक्त, और वहाँ पर भी जल्दीबाजी थोड़ा सा दिखा दी। और यहाँ पर घर पे बच्चे सब हैं तो अभी सारा काम पड़ा है, चलते हैं करते हैं, खाना बनाते हैं। रात हो गया आते आते, तो बहुत रात। हाँ तो 3:30 बजे मैं यहाँ से घर से निकली थी और 5 बज गया तो आ गई हूँ घर पे। और यहाँ पर चंदन है, चंदन साइकिल से बैठा के हमको ले गए थे। चंदन इतना साइकिल कूद रहा था और चंदन अपना तो सही से बैठकर चला रहे थे, लेकिन हमको इतना दिक्कत हुआ उस रास्ते में। आप सबको दिखाई थी, पत्थर सब आए, रास्ता भी नहीं ठीक है। अंजलि बोल रही थी हमको भी ले चलो, अंजलि को ले जाओ कल, चंदन घुमा लाओ इनको, ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। कल वाले कमेंट में सभी भाई बहन बहुत अच्छे से कमेंट किए, सबको तहे दिल से धन्यवाद। माता रानी आप सबको हमेशा खुश रखें। तो इसी तरह अपना साथ सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते।